ब्लॉक। नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉल पॉइंट ना, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई यार अपन को इन्फॉर्मेशन और डेटा के ऊपर कितना काम करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए, एंड दैट इज वेयर अवर एक्चुअल डिस्कशन कम्स। तो सेकंड पॉइंट जो जाता है डेटा और इन्फॉर्मेशन, ओके सेकंड वर्ड जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जाता है, ओके डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, सबकी आत्मा इधर। मैं दो वर्ड को डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा दो वर्ड है बेटा, पहला है डेटा और दूसरा क्या है बेटा इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को बताओ डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, एनीबडी? यस, डेटा इज अ रॉ फॉर्म, इन्फॉर्मेशन इज सिस्टम प्रोसेस वाला। यानी इन शॉर्ट मेरे ख्याल से एक आंसर आ गया, वो कंक्लूडिंग हो सकता है अपना, डेटा इज नथिंग बट लाइक रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स कौन है, इन्फॉर्मेशन। तो यानी डेटा क्या हो गया, रॉ, ओके एंड फिनिश कौन हो गया, इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को बताओ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेस। यानी मेरे को बताओ डेटा विच इज प्रोसेस बिकम्स इन्फॉर्मेशन, झेपा क्या मालिक, डेटा विच इज प्रोसेस बिकम्स इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा, डेटा विच इज प्रोसेस्ड। आत्मा और सारे के सारे पक्का समझ में आ रहा है, डेटा विच इज प्रोसेस्ड, डेटा विच इज प्रोसेस्ड, डेटा विच इज प्रोसेस्ड। अभी एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास सीएस स्टूडेंट का डेटा है, सीएस स्टूडेंट जिसमें फाइनल भी है और इंटर भी है, और मेरी ईआईएस की बात चालू हो रही है। अब मेरे को बताओ ये दोनों की एक्सेल शीट है जिसमें फाइनल भी है और इंटर भी है, क्या ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है या डेटा है, डेटा। समझ में आया, और मैंने इसको फिल्टर किया, फिल्टर का एक टेक्निक लगाया, फिल्टर करने के बाद मैंने इंटर का निकाला, ये क्या बना, इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को इंटर में भी ग्रुप वन ग्रुप वन वाले नहीं चाहिए, ओके उसको और फिल्टर किया, समझ में आ रहा है, और फिल्टर करके मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन निकाली डिपेंडिंग ऑन पॉइंट, ओके समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं, सबकी आत्मा इधर। मेरे को बताओ मेरे पास सीए फाइनल और इंटर का दोनों का डेटा है, ओके ये डेटा है कि इन्फॉर्मेशन है, डेटा, ओके मैंने फिल्टर किया और इंटर का आया, क्या बना, इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं ग्रुप टू वाला फैकल्टी हूं, तो मेरे को बताओ ग्रुप वन वाले स्टूडेंट चाहिए क्या मेरे को, तो मेरे को बताओ क्या, क्या ये इन्फॉर्मेशन है अभी, मैं तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा है। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं इंटर प्लस फाइनल के स्टूडेंट का डेटा है, ओके ये तो डेटा समझ में सबको आ गया, मैंने इसको फिल्टर किया, क्या किया बेटा फिल्टर। अब मेरे को बताओ क्या आया ये, इंटर का। अब मेरे को बताओ ये क्या है मेरे लिए, इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं मैं एटी ग्रुप टू का फैकल्टी हूं और यहां पर ओके ग्रुप वन वाले दिन भी स्टूडेंट है, तो मेरे को बताओ क्या ये इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, क्यों नहीं है, डेटा, ये डेटा है, प्रोसेस हुआ ना, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर क्या ये डेटा है या इन्फॉर्मेशन है फिर मेरे लिए, मेरे लिए डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, प्रोसेस हुआ है ना, प्रोसेस हुआ है, अरे स्क्रीन पर देखो मैंने लिखा है प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस किया ना, फिल्टर किया ना अपन ने, फिर क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे लिए। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट के लिए जो कोचिंग क्लास चलाते हैं उनके लिए क्या है ये, जो इंटर का पूरा कोचिंग क्लास चला देंगे, इन्फॉर्मेशन। लेकिन अमित आता है जो खाली ग्रुप टू पढ़ाता है, कुछ समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को बता मेरे लिए इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, मेरे लिए क्या नहीं है, यानी इन्फॉर्मेशन होने के लिए दो शब्द का प्रयोग करोगे, पहला प्रोसेस और दूसरा, अरे झेपा के नहीं झेपा, तो प्रोसेस होना चाहिए, खाली प्रोसेस होना काफी नहीं है, प्रोसेस के साथ क्या होना चाहिए, रिलेवेंस, झेपा ना मालिक, पक्का, ओके छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ओके मेरे को बताओ अमेंडमेंट 2022 के लिए, नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट आए, नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट आए, सब लोग मेरे साथ में, नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट आए, ओके सीए इंस्टीट्यूट के लिए, सीए इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट आए नवंबर 22 के लिए, ओके आपके लिए क्या है, ओके ये डेटा या इन्फॉर्मेशन, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, पूरा मॉडिफाई करके दिया गया है ना, सीएस में अमेंडमेंट आया, मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम सीएस नहीं दे रहे हो और सीएस में अमेंडमेंट आया, तुम्हारे लिए क्या है, डेटा या इन्फॉर्मेशन, डेटा, क्यों, रिलेवेंट नहीं है इसलिए, ओके समझ में आया। यानी एक चीज जो किसी के लिए डेटा हो सकती है किसी और के लिए, और किसी और के लिए कोई डेटा होगा वो किसी और के लिए, यानी मेरे को बताओ क्या एग्जैक्टली मेरे को बता सकते हो ये इन्फॉर्मेशन है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन वो पर्सन के ऊपर, जो पर्सन यूज कर रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा कैसे मालूम पड़ेगा, रिलेवेंस के ऊपर, ओके खाली प्रोसेस के ऊपर नहीं होता बेटा, खाली प्रोसेस के ऊपर नहीं होता, किसके ऊपर होता है, रिलेवेंस। अरे भारत माता की जय, झिपा गया मालिक, तो डेफिनेशन को क्लियर करो, मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंस, वापस आता है डेटा विच इज, झिपा ना मालिक, ठीक है। तो दूसरा शब्द भी अपने दिमाग में गया, ओके पहला शब्द कौन सा गया था बेटा, सिस्टम, दूसरा
इन्फॉर्मेशन. ओके इन्फॉर्मेशन, अब कहानी आती है इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए. ओके मेरे को बताओ, तुमको डेटा चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए. इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली तुम्हें काम का क्या है, इन्फॉर्मेशन या डेटा. तुम्हें काम का क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन. डेटा काम का नहीं है, डेटा चाहिए. डेटा के बिना क्या नहीं आएगा, इसलिए डेटा चाहिए. पर अल्टीमेटली मेरे को चाहिए क्या, इन्फॉर्मेशन चाहिए. पर इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों, क्यों चाहिए रहती है इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए रहती है. एक वो आवाज आई इधर से और वो था डिसीजन मेकिंग. क्या करना है, डिसीजन मेकिंग. आत्मा समझ में आ रहा है मलिक. मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आ रहा है. मेरे को बताओ तुम्हें सीए इंटर के अमेंडमेंट्स आए नवंबर 22 के लिए, वो अमेंडमेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए. इन्फॉर्मेशन बोला मैंने, डेटा नहीं. इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों चाहिए. नहीं रिलेवेंट तो मैं समझा, पर पढ़ोगे क्या, इसके लिए तुम्हें अमेंडमेंट चाहिए. इसका मतलब तुम्हें क्या लेना है, डिसीजन. ओके डिसीजन लेना है. ओके कोई भी इन्फॉर्मेशन. अब मेरे को बताओ एक छोटा सा पॉइंट डेटा और इन्फॉर्मेशन का. फेसबुक ओके डेटा जमा करता है, क्या जमा करता है, डेटा. मैं थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अपन वो एग्जांपल समझेंगे तो कुछ चीजें अपने को दिमाग में जाएगी. एक्चुअली फेसबुक अपना क्या लेता है, डेटा. अब मेरे को बताओ फेसबुक पे इतने जितने जन बैठे हुए इस क्लासरूम में या ऑनलाइन में, मेरे को बताओ क्या सबका डेटा है फेसबुक के पास. यस एक हाथ दो जन होंगे जो फेसबुक पे नहीं होंगे तो उनका नहीं होगा, पर अपन रेज्यूम करते हैं सब लोग फेसबुक पे. अब मेरे को बताओ क्या सबके पास सबका डेटा है क्या. ओके अब इमेजिन करो एक एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको उसके प्रोडक्ट का प्रमोट करना है हम सबको. अब मेरे को बताओ क्या वो हम सबको करेगा या रिलेवेंट वाले लोगों को ढूंढेगा. अब मेरे को बताओ यानी ये फेसबुक के पास जो डेटा है वो डेटा को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद रिलेवेंस वालों को वो प्रमोशन दिखाएगा. समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या. अरे हाँ या ना. तो यानी अपने को देखो जमा करते वक्त हम जमा क्या करेंगे, डेटा. लेकिन डेटा होने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे और क्या बनेगा, इन्फॉर्मेशन. और इन्फॉर्मेशन के बाद क्या काम होगा, डिसीजन मेकिंग. क्या होगा मालिक, डिसीजन मेकिंग. ओके गिव मी अ गुड आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू ऑल. ओके मेरे को बताओ मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया. ओके ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया और मैंने आपको बोला पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दो. ओके गिव मी अ गुड आंसर. ट्रायल बैलेंस लेजर क्या है, डेटा पक्का. और पीएनएल बैलेंस शीट और दोनों के बीच में क्या होगा, प्रोसेस. और प्रोसेस मतलब समझ में आ रहा है. ओके पोस्टिंग करना, एडजस्टमेंट करना, क्लोजिंग एंट्री पास करना, क्लोजिंग स्टॉक, ओके प्रोविजन की एंट्रीज ये पास करना, ये प्रोसेस होता है. समझ में आ रहा है प्रोसेस मतलब क्या. अरे हाँ या ना. मैंने आपको क्या दिया, ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया. मैंने ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया. मेरे को बताओ आपको पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है, कैसे बनाओगे. ट्रायल बैलेंस की एंट्री को क्या करोगे, पोस्ट. यही हुआ ना मालिक. और क्या करोगे, एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट के बाद क्या करोगे, क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री मालूम है ना, अकाउंट स्टार्ट. ठीक है मतलब ऐसा मैं अकाउंट नहीं आता, बताओ मेरे को फिर मैं बताता. नहीं मतलब मैं अकाउंट नहीं बताता, मैं मतलब ठीक है फिर मतलब मैं बताता. नेवरथलेस मेरे ख्याल से दोनों कॉन्सेप्ट आपको हिप रहे. जब मैं बोल रहा हूं इधर प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है, इधर प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है, पोस्टिंग. इज दैट पॉइंट क्लियर. अब मैं थोड़ा सा रिलेवेंस पॉइंट उल्टा पूछ रहा हूं. ओके समझ में आ रहा है. मेरे को बताओ मैंने जर्नल एंट्री पास की, जर्नल एंट्री. ओके जर्नल एंट्री पास की. ओके अब मेरे को बताओ उससे क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर. कुछ झिपा मालिक. अब मेरे को बताओ अब एक एंगल से ओके जर्नल एंट्री क्या हुई, डेटा. और ट्रायल बैलेंस लेजर क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन. अब इसमें प्रोसेसिंग क्या होगा मेरे को बताओगे, पोस्टिंग. दिस इज समथिंग पोस्टिंग, दैट्स इट. प्रोसेसिंग समझ में आ रहा है. ओके अब मेरे को बताओ ऊपर वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो एकदम ऊपर वाला पॉइंट है. ओके ये वाला पॉइंट, ये वाला जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं. ओके इसमें इन्फॉर्मेशन कौन थी, पीएनएल बैलेंस शीट. ओके और डेटा क्या था. ओके और मैं नीचे वाला थोड़ा हाईलाइटिंग वाली करता हूं, ये वाला. ओके मेरे को बताओ इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस. यानी ऊपर वाले के लिए वो क्या था, डेटा. नीचे वाले के लिए अब मेरे को बताओ ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, रिलेवेंस. उधर कौन सी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, नीचे कौन सी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ये रिलेवेंस आएगा. भारत माता की जय. जेपा मालिक. तो आप मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन से क्या क्या उठाया अपन ने. ओके इन्फॉर्मेशन को क्या क्या चीज याद रखोगे. ओके सबसे पहला इन्फॉर्मेशन होता क्या है, डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंट. पक्का ठीक है ये हो गया, इसको क्लोज करते हैं. अब मेरे को बताओ उसके बाद आगे कैसे पहुंचोगे. ओके डेटा विच इज प्रोसेस्ड बिकम इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, डिसीजन मेकिंग. ये दो चीज क्लियर है. एंड तीसरा पॉइंट याद रखना, आज के डेट में नया ऑयल क्या है, डेटा. यानी हर कंपनी किसके पीछे जा रही है, डेटा के पीछे. उनको बाकी किसी से लेना देना, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुमको शायद जेन्युइन लगे ना लगे आई डोंट नो, पर तुम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे और एज में आगे बढ़ोगे आपका समझेगा हर कंपनी सिर्फ आपका क्या जमा कर रही है, डेटा.
और उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ओके, बेस्ट एग्जांपल हर कंपनी आज किधर भी शॉपिंग करने जाओ वो आपका टेलीफोन नंबर लेता ही लेता है, ओके, रेयरली जो अपने लोकल मार्केट से अनदर थिंग्स है वो ठीक है वो अवॉइड करते हैं किराना विराना वाले, क्योंकि उनके पास अभी तक सिस्टम वैसे नहीं है, लेकिन हर जन क्या जमा कर रहा है डेटा, क्योंकि अभी वो लोग भी अभी तक ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन वो लोग भी आपका नंबर लेते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, मेरे को बताओ कुछ ऑफर आता है तो आपको मैसेज आता है कि नहीं आता है, क्यों आता है भाई, आपने मांगा था क्या फिर भी आता है, क्यों आता है, उनको मालूम है बस ये डेटा को प्रमोट करो, डेटा के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट होगा व्हाट एवर इट में भी, ओके, कान खुले एकदम आराम से, सारे जन इधर, क्योंकि अभी मैं टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूं, और जब मैं टेक्निकल बोल रहा हूं ना इसका मतलब कंप्यूटर मत लो, हाँ प्लीज अंडरस्टैंड कंप्यूटर मत लो, टेक्निकल जब मैं बोल रहा हूं ना कंप्यूटर का डिस्कशन नहीं है ये, टेक्निकल मतलब क्या है, टेक्निकल मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पे, ओके, सिस्टम मतलब क्या था, सिस्टम मतलब क्या, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल, यानी कोई भी चीज जो साथ में काम कर रही है और प्रोसेस कर रही है और वो आउटपुट दे रही है वो क्या बोलते हैं, सिस्टम, यानी कान खुले और आंख खुली, स्क्रीन पे ध्यान, पहला ओके, सिस्टम में इनपुट होता है, इनपुट का फुल फॉर्म मतलब इनपुट का मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, ओके, प्रोसेसिंग मतलब ऑपरेटिंग कलेक्टिवली एंड गिविंग द आउटपुट अचीविंग, यानी ये तीनों मिलके क्या बने, यानी कोई भी सिस्टम में तीन चीजें होगी, कोई भी सिस्टम में क्या होगी, तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तीन चीजें ही होगी, समझ में आया मालिक, हर सिस्टम में क्या होगी, तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें बेटा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जी पर मालिक, ओके, अब याद रखो एग्जांपल मेरे को बताओ, इस बेंच ए सिस्टम, ओके, मेरे को बताओ इनपुट वुड होगा स्टील होगा, ओके, प्रोसेस किया उनको बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला कर रहे हैं और आउटपुट अभी बेटर है, मोटर बाइक लो कोई भी कंप्यूटर, इस कंप्यूटर सिस्टम इनपुट होगा प्रोसेस होगा आउटपुट होगा, अब क्वेश्चन आता है, ओके, मेरे को बताओ आर वी कंसर्न विद ऑल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, अब आत्मा सारी आत्मा मेरे पास, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए तुम्हें, मैंने समझा दिया सब समझा दिया है, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके, याद रखिए व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम आई एम वेरी क्लियर विद माय वर्ड्स, सब लोग क्लियर रहिए, जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरे सर्कल को जो सर्कल है, ये पूरे सर्कल को जो सर्कल है इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम, क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टम, और जब इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और इंफॉर्मेशन से तुम्हें क्या मदद मिलेगी, डिसीजन मेकिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरे को वापस बताइए, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वापस आते हैं, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भारत माता की जय, समझ में आएगा मालिक, ब्लड में बिठा दो, ब्लड सर्कुलेशन में बिठा दो, और ये एटलीस्ट पूरा यस तक ये तोड़ रटा हुआ होना चाहिए, ओके, वापस आता है, मेरे को बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, एनी सिस्टम विच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज दैट पॉइंट क्लियर, अब मेरे को मेरा क्वेश्चन आता है इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए बताइए इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, कान खुले दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कॉन्क्रीट आंसर होगा, वापस बोल रहा हूं, पहला वाला आंसर क्या है, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अपने को अंडरस्टैंडिंग वाला आंसर था, समझ में आया, पर इसका कॉन्क्रीट आंसर क्या होगा, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कॉन्क्रीटली बता रहा हूं, ओके, मेरे को बताइए क्या ट्रायल बैलेंस लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लेजर क्या होता है, डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग किया और उसके बाद पीएनएल बैलेंस शीट बना, क्या बना, इंफॉर्मेशन, अब मेरे को बताइए, ओके, डेटा इंफॉर्मेशन अलग अलग कर पा रहे हो, इनपुट क्या है, ट्रायल बैलेंस, ओके, ट्रायल बैलेंस ही वर्ड यूज करो, ओके, मेरे को बताओ आउटपुट क्या है, पीएनएल बैलेंस शीट, एवरीडी क्लियर, अब मेरे को बताओ प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये समझ गया, ये डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कंबाइन एक सिस्टम बना, मेरे को बताओ सिस्टम के नीचे थोड़ी देर पहले सिस्टम में क्या होना चाहिए, तीन चीजें क्या होना चाहिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वही पढ़ाना रे, ये है ये तीन चीजें चाहिए, तो ये पहली चीज क्या है, ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है, इनपुट, फिर क्या किया उसको,
प्रोसेस मतलब समझ में आया, पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट किया, क्लोजिंग एंट्री पास की और क्या बना आउटपुट। ओके तो ये पूरा क्या बना सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम का नाम क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए वरी कर रहे हैं जो अपना सिलेबस बोल रहा है, हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं जो हमारा सिलेबस डिस्कस कर रहा है। यानी अपना सिलेबस क्या सारे सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है, खाली इंफॉर्मेशन पे देख रहा है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी उनको ऐसे सिस्टम चाहिए जो हमें किसमें मदद करे, डिसीजन लेने में। ओके यानी आपके स्क्रीन पे ये रहेगा। ओके कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं आपने बजट्स पढ़े होंगे। ओके बजट्स को अगर मैं थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं आपको पीएनएल बैलेंस शीट देता हूं। ओके उसमें आपको जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग करिए और प्लानिंग, अरे डब्बा इतने जल्दी मत खा रहे। ओके प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने के बाद प्रोजेक्टेड पीएनएल एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दीजिए। सब लोग मेरे साथ में है। ओके मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने क्या दिया पीएनएल बैलेंस शीट, फिर मैंने आपको दिया क्या दिया प्लानिंग। प्लानिंग मतलब समझ में आ रहा कितना परसेंटेज क्या इंक्रीज करना है, क्या डालना है, वो तुम्हारा लॉजिक। और उसके बाद मेरे को क्या बना के देना है, प्रोजेक्टेड पीएनएल प्रोजेक्ट बैलेंस शीट। मेरा क्वेश्चन है अब मेरे को बताओ इसमें डेटा क्या है, पीएनएल बैलेंस शीट, और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोजेक्टेड पीएनएल यानी बजट्स। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, बजट। कॉस्टिंग में वेरियंस वेरियंस निकालने के लिए करते हैं ना अपन, बजट करते हैं। अब मेरे को बताओ ये कंबाइन जो होगा ये पूरा क्या होगा, सिस्टम। और इस सिस्टम का नाम क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो देखो ये इसकी वजह से हम लोग क्या ले पा रहे हैं, डिसीजन कि हमें कितना टाइम लगेगा, हमें कितना रिसोर्स लगेगा, हमें कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब लगेगा। दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो याद रखिए, ओके यानी इन शॉर्ट, ओके आप जो भी सिस्टम, यानी आपने अकाउंट्स में पढ़ा, एफएम में पढ़ोगे, ओके टैक्स में पढ़ोगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यार इनपुट डाला और आपको आउटपुट मिल रहा है कितना टैक्स आ रहा है, ये पूरा क्या हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड। दिमाग लगाइए, पहले क्लियरली दिमाग लगाइए। मेरे को बताओ आपने इनकम टैक्स के फिगर डाले, ओके वो क्या था, डेटा, और टैक्स मिला इंफॉर्मेशन, ये पूरा क्या बना सिस्टम। हम लोग इधर किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर। आपका सिलेबस ये सिस्टम है, हम लोग का एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सिस्टम की तरफ रोल जा रहा है, ये सिस्टम की तरफ रोल जा रहा है, एंड वी आर कंसर्न विद दिस सिस्टम। तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट क्लियर है। ओके अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यार एक चीज क्लियर कट अपनी इंस्टीट्यूट बोल रही है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम भी 50 तरह के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे भी हो सकते हैं जो घर में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ओके एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ओके मम्मी को पापा ने 10,000 रुपए दिए घर खर्चे के लिए, मम्मी को क्या मिला इनपुट, मम्मी ने उसको खर्च किया और मम्मी ने उसका पूरा लेखा जोखा रखा, मालूम है ना मम्मी रखती है ना इतना इतना खर्च हुआ, ये क्या था आउटपुट। पर मम्मी ने जो सिस्टम लगाया उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम।